अभी जब मैंने स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का स्वागत किया तो मुझे अपने मित्र राजीव सातव की याद आई। और मैं सोच रहा था कि ऐसी ही मीटिंग में वो यहां हमारे साथ बैठे होते। अमर रहे राजीव सातव। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की और ये श्रीनगर तक जाएगी। और ये देखिए, ये जो तिरंगा है इसको ऊंचा करिए जरा। ये जो है इसको हम श्रीनगर में जाके फहराएंगे। और मैसेज देने, ऐसे नहीं, मैसेज देने कि इस देश को बांटा नहीं जा सकता, इस देश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती, इस देश में हिंसा नहीं फैलाई जा सकती। ये यात्रा का लक्ष्य। भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता और प्रेस के हमारे मित्रों, अब ये है हमारे मित्र मगर मदद नहीं कर पा रहे। ये देखो, ये हंस रहे हैं, इनके पीछे लगाम लगा रखी है, वो कंट्रोल किसी और के हाथ में। ये बोलना भी चाहें, इनको अन्याय दिखे भी, ये बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। किसान से बात हुई, उसका खेत हमारे सामने था, उसने मुझे रोका, कहा राहुल जी मेरा खेत देखिए। अब यहां पे जो भी किसान है इस बात को समझ जाएंगे, कहता है मुझे राहुल जी मेरा खेत देखिए, खेत पूरा बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया, सोयाबीन का खेत था। मुझे कहता है राहुल जी मैंने बीमा का पैसा भरा, मैंने बीमा का पैसा भरा, मेरा खेत बर्बाद हो गया, प्रधानमंत्री बीमा योजना में मैंने पैसा भरा है, मेरा खेत बर्बाद हो गया, मुझे एक रुपया नहीं मिल रहा। किसान भूखा मर रहा है, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल साइज स्मॉल बिजनेसेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने तोहफे दिए दो, एक नोटबंदी और दूसरा गलत जीएसटी, और सारे के सारे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। दो तीन दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा देखो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा गलती क्या की? कहते हैं गलती की नोटबंदी, उनने गलती की। मैंने कहा गलती गलती कुछ नहीं की, ये गलती नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया।